नहीं, जाति जनगणना हो, देश भर में हो, ये हमारा पहले दिन से, हमारा भी, हमारी पार्टी का भी और विपक्ष का भी, सबका इसमें स्टैंड क्लियर है। कल जब बिहार के रिजल्ट आए तो मैंने विद इन मिनट्स मैंने ट्वीट करके, टैग करके प्रधानमंत्री जी को लिखा कि अब देश में भी जाति जनगणना के आंकड़े आप जारी कर दें जो पिछली बार हुई है, या नई जाति जनगणना आप कराइए। मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी टैग करके लिखा कल कि अब ये वक्त आ गया है जब उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही जेन्युइन सवाल है। आप क्यों भाग रहे हैं जाति जनगणना से? हमने देखा कि पूरा केंद्र सरकार का पूरा मैनेजमेंट लग गया था कि किसी तरीके से जुडिशरी के माध्यम से बिहार की जाति जनगणना पर के आंकड़े रिलीज होने पर रोक लगवाने, लेकिन थैंक्स टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि वो रोक नहीं लगी। और आज देश को पता चल गया कि हकीकत में इस देश के पिछड़ों की संख्या 10% के करीब, जो सरकार आंकड़े बताती है 1931 के, उसमें 10% से ज्यादा बिहार बिहार में बढ़ी है, और राज्य की स्थिति और भी अलग है। तो डर क्यों रही है सरकार? ठीक है, डर इसीलिए रही है क्योंकि मंडल ने इनका कमंडल फेल कर दिया था।